बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स डेस्क और मैं हूं अली नियाज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे क्रिसमस के हवाले से, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करेंगे अटक से, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो तैयारी कर रहे हैं लियाकत आबाद में होने वाले जलसे के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियाकत आबाद में कामयाब जलसा करने का इरादा रखती है और इस हवाले से मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में तैयारियाँ जारी हैं। अटक में क्या तैयारियां की जा रही हैं, ताहिर नक्काश हमारे साथ होंगे, हमसे बात करेंगे। ताहिर नक्काश, क्या बताएंगे आप इस हवाले से हमारे नाज़रीन को? कल इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सरदार अरफान की रहायशगाह में। उनसे पूछते हैं कि जो बिलावल भुट्टो रावल पिंडी में जलसा करने जा रहे हैं, उस हवाले से अटक में क्या इंतजाम किए गए हैं कि जलसे में कितने लोग अटक से जाएंगे, मजीद जानते हैं सरदार अरफान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमारे मोहतरम चेयरमैन साहब ने 27 दिसंबर के हवाले से कॉल दिए हैं हमें लियाकत बाग जलसा में, उसमें इंशाल्लाह हम भरपूर शिरकत करने जा रहे हैं। हमारे सलका पीपी वन अटक वन से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम कारकुनान के साथ मीटिंग कर चुका हूं और एक जलसा भी हमने यहां पे किया है और उसमें हमने अपनी तमाम तैयारियों के हवाले से एक जामिया प्रोग्राम बना लिया है और हम तकरीबन कई सौ गाड़ियों का एक काफिला लेकर यहां अटक से निकलेंगे और ये रैली हम 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे शुरू करेंगे और इंशाल्लाह हम 3:30-4 बजे लियाकत बाग जलसा में होंगे। अच्छा सरदार साहब, ये भी बताइए कि मौजूदा हुकूमत क्या समझते हैं कि अवामी मसाइल हल कर रही है या नहीं? मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत की कोई जामिया पॉलिसी अब तक सामने नहीं आई है और आवाम का बहुत ही इस वक्त बुरा हाल है। ना तो इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये मेरे ख्याल से एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है और इसी ही की वो हुकूमत थी जो हमारे एक सीनियर कायद जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद और जनाब मोहतरमा जो हमारी बीबी शहीद लीडर थी, उनकी दौर हुकूमत में अगर आप देखें तो हमने बहुत से ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जिनको बाद में आने वाली हुकूमतों ने भी फॉलो किया। जैसे आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को देख लें, मैं अपनी तहसील की अगर बात करूं, अपने हलका की बात करूं तो 70,000 फैमिलीज बेनिफिशरी हैं उस प्रोग्राम के तहत। और यहां पे अगर तरक्याती कामों के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इस 72 साल तारीख के अंदर जितने हमारे टेन्योर्स आए हुकूमतों के और जितनी हमने हुकूमतें की, उसमें मेरे ख्याल में जो मैं तारीख को स्टडी करता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा काम इस मुल्क के लिए और तरक्याती काम जो है वो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि सरदार अरफान दिन न्यूज़ से ज़ार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में बुरी तरह नाकाम हो गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जो अवाम के मसाइल हल करते थे। नकाश, हमारे साथ आप मौजूद थे, हमें आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे अटक से और अटक की सूरत हाल नाज़रीन जो थी, जो कि जलसा गाह में जाने का इरादा रखते हैं और उस हवाले से तैयारियाँ जारी हैं, ये हमने आपके सामने रखा है। नाज़रीन, बात करते हैं क्रिसमस के हवाले से। मसीही बरादरी बड़े अकीदत और एहतराम के साथ क्रिसमस की तकरीबात को आज मना रही है, मजहबी जोश जज्बे के साथ ये तकरीबात जारी हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे खानकाह डोगरा से सबसे पहले कि वहाँ पर आज के दिन के हवाले से किन तकरीब का इनेकाद किया गया है। शफीक अहमद जट, आप क्या बताएंगे इस हवाले से हमारे नाज़रीन को? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़ियारत मुक़द्दस से मरियाबाद में, जहाँ पर क्रिसमस डे पर जोश तरीके से मनाया जा रहा है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए गलियों और घरों की तो उन्हें भी खूब सजाया गया है और दूसरी तरफ चर्च को भी अलग अलग रंगों के फूलों से और लाइटों से सजाया गया है। और दूसरी तरफ बात की जाए तो ये सिर्फ एरिया खानकाह डोगरा ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मसीह बरदरी यहाँ आकर अपना त्यौहार मनाना खुशकस्मती समझते हैं। मजीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फादर बर्नार्ड, इनसे जानते हैं कि इस डे के हवाले से वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। देखो, कमारी हमला होगी, उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है कि खुदा हमारे साथ है। विलादतुल मसीह बड़ी खुशी और शादमानी से हम इसे मनाते हैं और इस बात का भरमला इकरार करते हैं कि खुदावंद यसुअल मसीह मुनज्जिए दुआलम बादशाहों का बादशाह इस दुनिया में आता है ताकि दुनिया में अमन, सलामती और निजात का पैगाम। हम खुशी और शादमानी के इन जज्बात से
दुआ करना चाहते हैं कुल कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए और सबसे बढ़कर अपने मुल्क पाकिस्तान में, कि जहां हम सब बड़ी अकीदत से, बड़े एहतराम से और पूरी आज़ादी के साथ अपनी मजहबी त्यौहार मनाते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम सब मसीही, जो अमन व सलामती का पैगंबर हमारी ज़िंदगी में आता है, हम भी अमन व सलामती में होकर मुल्क की सलामती के लिए और सबसे बढ़कर आपस में प्यार मोहब्बत और सलामती के लिए ज़िंदगी को गुजारते हुए इस अच्छे और ख़ूबसूरत मौसम में मसीहा का पैगाम दुनिया तक पहुंचा सकें। और साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं दिन टीवी वालों का भी, जो हर एक तकरीब में यहां आकर कवरेज करते हैं और हमारी इन सारी खुशियों में हमारे साथ साथ होते हैं। आप तमाम मोमिनीन को, पूरी दुनिया को, तमाम कहले कलीसिया मरियमबाद को बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो और साथ साथ नया साल भी एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, मेहरबानी जी। जैसे कि आपने फादर बर्नार्ड साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमारा यही विशन है कि पूरी दुनिया को अमन व अमान के मोहब्बत का पैगाम देना, और दूसरी तरफ हम शुक्रगुजार हैं मुल्क पाकिस्तान के कि जहां पर हमें पूरा हक है। अहमद जट हमारे साथ आप मौजूद थे खानकाह डोगरा से, और खानकाह डोगरा की सूरत हाल यह आपने हमारे नाज़रीन के सामने रखी है। नाज़रीन, बात करें कि हम पत्तोकी से, पत्तोकी में क्रिसमस के मौके पर जो केक है उनकी फरोख्त जो है उसमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, यह जानेंगे। काशिफ रफ़ी हमारे साथ है। काशिफ, आप क्या बताएंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पत्तोकी की मशहूर दुकान रेशम स्वीट पर, जहाँ पर क्रिसमस डे के हवाले से स्पेशल केक तैयार किए जा रहे हैं। इस वक्त कुछ गाहक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे और ख़ूबसूरत केक तैयार किए जाते हैं, बहुत से लोग यहाँ से केक लेने आते हैं। यहाँ पर हर त्यौहार पर मुख्तलिफ किस्म के केक बनाए जाते हैं। आज क्रिसमस डे के हवाले के साथ भी यहाँ पर मुख्तलिफ केक तैयार किए गए हैं और हम सब यहाँ से केक लेने आए हैं। यहाँ पर बहुत ही सस्ते चीज़ें मिलती हैं और मैं यहाँ से केक जाकर अपने दोस्तों को गिफ्ट करना चाहता हूँ। जी भाई के असरात जाने के, यहाँ पर बहुत स्पेशल और म्यारी केक तैयार होते हैं और मैं यहाँ से केक लेकर अपने दोस्तों। काशिफ रफ़ी हमारे साथ आप मौजूद थे, हमें आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे पत्तोकी से। नाज़रीन, नोद्रा से बात करें, वहाँ पर भी क्रिसमस डे मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मसीही बरादरी मजहबी जो इबादत हैं वो अंजाम दे रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे, नोद्रा से हमारे साथ है हसनैन सिंधु। हसनैन, आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? मुल्क के दीगर शहरों की तरह लोधरा में भी आज क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानब से जो है वो क्रिसमस डे बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त तमाम जो है वो गिरजा घरों में जो है वो मजहबी इबादत का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानब अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के जो है वो सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त जो है वो इब्ने मरियम कैथलिक चर्च के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर DPO लोधरा मलिक जमील जफर खुद जो है वो सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है वो DPO लोधरा मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो क्या इंतजाम किए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज का दिन जो है मसीह बरादरी के लिए बड़ा अहमियत का अमल है, इनका ईद का दिन है, तो हम अपने मसीह भाइयों के साथ हैं, उनकी खुशियों में शामिल हैं और इनको इनकी इबादत के लिए हमने आज यहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी है। उसी सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के लिए मैं और DSP साहब दुनिया पर यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर SHO सिटी दुनिया पर ने सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ऐसे ही ड्यूटी करेंगे थ्रू आउट पाकिस्तान, और हमारे जो मसीह भाई हैं वो कंप्लीट पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकेंगे। मलिक साहब, बताइएगा कि आज ज़िला भर के अंदर टोटल कितने जो है वो अहलकार जो है वो गिरजाघरों पर ड्यूटी दे रहे हैं? तकरीबन हमारे पास टोटल 13 चॉइसेस हैं, जिनमें से 2 ए कैटेगरी के हैं और 11 बी कैटेगरी के हैं, और इन 13 चॉइसेस में प्लस जो फैमिली पार्क्स हैं वहाँ पर भी हमने सिक्योरिटी लगाई है। कुल मिल मिला के 700 पुलिस अहलकारों की ड्यूटी लगी हुई है। जी मेरे साथ जो है वो DPO लोधरा मलिक जमील जफर मौजूद थे, और उनकी तरफ से कहना था कि ज़िला भर के अंदर जो है वो तमाम गिरजाघरों पर जो है वो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 700 से ज्यादा अहलकार जो है वो आज मसीह बरादरी को जो है वो उनकी इबादत के लिए जो है तहफ़ देने के लिए आज सिंधु हमारे साथ आप मौजूद थे लोधरा से, और आप लोधरा की सूरत हाल हमारे नाज़रीन के सामने रख रही थी। नाज़रीन, हम आगे बात करते हैं समढ़ियाल से, जहाँ पर क्रिसमस के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्या हालात हैं वहाँ पर, ये जानेंगे मकसूद इलाही से। मकसूद इलाही, आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? हम मौजूद हैं मॉडल पुलिस स्टेशन समढ़ियाल में, और हमारे साथ मौजूद है SHO थाना समढ़ियाल। इनसे पूछते हैं, ये जो इवेंट्स आ रहे हैं, 3 बहुत बड़े अहम इवेंट्स हैं,
ایسٹر ہے اور قائد اعظم ڈے ہے پلس ہیپی نیو ایئر ہے، اس کے بارے میں انہوں نے سیکیورٹی کے معاملات میں کیا کیا ترتیب دی ہوئی ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. اس میں ہمارے کو 17 کے قریب پروگرام ہیں جو 25 دسمبر کے حوالے سے ہیں نا، ان پہ بائی نیم ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ساری ایجنسیز بھی ہمارے ساتھ ہیں، امن کمیٹیوں کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی ہوئی ہے، تو ڈیوٹی بائی نیم سب کی لگی ہوئی ہے، سیکورٹی پلان سارا مکمل ہے، تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے ساری سیکورٹی جو ہے ہماری وہ مکمل ہوگی، خدا نخواستہ کوئی ایسا وقوع نہ ہو جائے، کیونکہ ڈیوٹی کے حوالے سے ساری ایجنسیز ہمارے ساتھ اپنا بیٹھ کے ہم نے سارا کیا ہوا پلان اس کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے اچھے طریقے سے ساری ڈیوٹی ہوگی. سر یہ بتائیے، یہ جو پچھلے دنوں میں یہ ایک بحثان ایک دو ہوا تھا شراب وغیرہ کے، اس کے لیے یہ جو کرسچن کمیونٹی ہے یہ اپنے ایونٹس پہ بہت زیادہ شراب وغیرہ پیتی ہے، اس پہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس میں نے ہم نے ویسے بھی رات کو بھی سرچ آپریشن کیا ہے ایک دو علاقوں کا، چار پانچ لوگ ایسے پکڑے ہیں جن سے کافی مقدار میں یہ جو کچی شراب فروخت کرتے ہیں ان کے خلاف ہم نے مقدمہ درج کر دیے ہوئے ہیں، اور آج ان کو جیل بھی بھیج دیا ہے، اور میں عرض کرتا ہوں ان سے جو ان کے کرسچن کمیونٹی کے بڑے احباب ہیں ان کو بھی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کم از کم اپنے جو ان کے ہیں نمائندے ان کو خصوصی طور پہ یہ لیڈ کریں اور سبق دیں ایسا کہ یہ ایسی چیزوں کا استعمال جو ہے نا اس سے باز رہے. جی بالکل. ذوالفقار ویک ایس ایچ او تھانہ ماڈل سمڑیال یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے سیکیورٹی پلان ساری ایجنسیوں کے ساتھ مل کے پلان کیا ہوا ہے، اس پہ ہم نے انشاءاللہ بہت اچھے انتظام کیے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کو چاہیے کہ جو اس مقصود الہی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ناظرین کو آپ نے وہاں پر سیکیورٹی کے جو انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے آگاہ کیا ہے. کاموں کی سے بات کریں ناظرین، تو وہاں پر مسیحی برادری کے لیے سستے بازار لگائے گئے ہیں، ان بازاروں کا حوال لیں گے. رانا نعیم اللہ ہمارے ساتھ ہے. نعیم کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے؟ ڈپٹی کمشنر گوجرانوالا سہیل اشرف صاحب کی ہدایات کے اوپر کاموں کی شہر کے اندر بھی مسیحی برادریوں کی سہولت کے لیے سستے بازار لگا دیا گیا ہے. میں یہ پتا چلا جاؤں کہ اس کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر شاہد باز صاحب خود کر رہے ہیں، وہ میرے پاس موجود ہیں، ان سے اس کی تفصیل جان رہے ہیں. جی سر بتائیں. یہ تفصیل کاموں کی پنجاب حکومت کی ڈائریکشن پر دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ خصوصی طور پہ آٹے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 10 کے جی کا جو آٹا ہے اس کے 214 روپئے کے حساب سے ڈی کارپیٹ کی طرف سے دی گئی ہے. اسی طرح مختلف جو آئٹم ہیں وہ سب بھی جائز ریٹ پہ یہاں پہ اویلیبل ہیں، مختلف سبزیوں پر بھی ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اور فروٹس پر بھی ہے. اسی طرح آپ گوشت میں بھی جو نام دینا 50 روپئے کی جو سبسڈی دے رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے اس کمیشن صاحب کا کہنا سنا کہ یہاں جو ہے بازار سے مکمل ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جو ہے. نعیم اللہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ہم نے کچھ بات کی کرسمس کے حوالے سے، مختلف شہروں میں کن تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، کیا سیکیورٹی پلان ہے، یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. گھوٹکی سے بات کریں، وہاں پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کے موقع پر ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے. اس ریلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی ملک، ہم ان سے بات کریں گے. محمد علی ملک آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے پیدائش کے موقع پر رونتی شہر میں ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے. ریلی میں رونتی کے شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ریلی کے شرکا موجود ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے پیدائش کے موقع پر وہ اپنے خیالات کا اظہار کس طرح کرتے، آئیے ان سے جانتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 25 دسمبر کا دن ہم مسلمانوں کے لیے، خاص کر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے نہایت ہی خوشی کا دن ہے. آج کے دن ہمارے محبوب قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے. ان کی رات دن جد و جہد انتھک محنت سے یہ پاکستان وجود میں آیا، جس کی وجہ سے آج یہاں ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہم میں دم ہے، ہم آخری دم تک قائد اعظم محمد علی جناح کے نقش قدم پر چلیں گے اور پاک آرمی پاک فوج کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت مہربانی، شکریہ. پاکستان آرمی زندہ آباد، پاک فوج زندہ آباد. ہمارے لیے آج نہایت ہی خوشی کا دن ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش منا رہے ہیں آج پورے ضلع گھوٹکی کی عوام، اور خصوصاً رونتی شہر کی عوام جو ان سے یہ اس ریلی میں شریک ہوئی.
بہت مہربانی. پاکستان آرمی. جی بالکل, ریلی کے شرکا کا کہنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی کی محمد علی ملک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے, ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے شہر کھوٹکی سے. ناظرین فیصل آباد سے ایک آپ کو مجسمہ ساتھ سے بنوائیں گے جنہوں نے پاکستان کی نامور شخصیات کے مجسمے تیار کیے ہیں. ہمارے رپورٹر رانا بلال ان کے ہمراہ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. بلال کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ بتاتا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے کہ ہم فیصلہ آباد یہاں پہ علامہ اقبال کلونی میں ایک گھر میں موجود ہیں کہ جہاں پہ ایک شخص جو ہے کہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے جو ہے کہ ہاتھ کے ساتھ مختلف جو ہے کہ نیشنل ہیرو ہیں ان کی تصویریں جو ہے کہ مجسمے تیار کیے جاتے ہیں. حبل وطنی تو ہر دل میں ہے, بس انداز بیاں الگ الگ ہے. جی یہاں سے پوچھتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں مختار علی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ بہت ہی پیاری کلا ہے ان کے ہاتھ میں. جی بتائیے کیسے آپ کو یہ شوق بنا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں, پیارے ہمارے جو نیشنل ہیرو ہیں جن کی کوششوں سے ہمارا ملک یہ ہے کہ ہمارا رات سانس لے رہے ہیں, کیسے آپ کو یہ خیال آیا ہے؟ اصل میں یہ جو ہمارے نوادرات ہیں یہاں پہ آثار قدیمہ کے, ان سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ اکابرین جو ان کے دور کے تھے جنہوں نے اس خطۂ زمین میں اپنا وقت گزارا تھا, تو وہ آج بھی ان کے کھدائی کے دوران ان کے جو قیمتی دھاتوں کے نوادرات چیزیں ملی ہیں ان میں ان کے پورٹریٹ بھی ملے ہیں. میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کے جنہوں نے پاکستان بنایا ہے میں ان کے لیے یہ پورٹریٹ بناؤں اور اسٹیچو بناؤں تاکہ میں بھی اپنے قوم کے ہیروں کو جتنا دیر تک یہ دنیا قائم ہے ان کے نام کو روشن کر سکوں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر مادر وجود میں آیا ہے. اسی بنا پہ میں اپنے جو محب وطن ہے جو ہمارے ذمہ دار اداروں پہ کام کرنے والے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بنیاد بناتے ہوئے قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق پاکستان کی فتح سلامتی اور حب الوطنی میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے آپس میں اتحاد و تنظیم یقینی محکم کے ساتھ پاکستان کے لیے کام کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور پاکستان کو ہمیشہ قائم اور جائے. جی بتائیے گا کہ بہت اچھی بات ہے, آمین اللہ کو آمین ایسا ہی ہو جائے کہ اس اتحاد پر جو ہے کہ آپ یہ مجسمے تیار کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں. میں یہ اسٹیچو المونیم کاپر براس سونا چاندی سکہ اس کی شیلڈ دھات کے اوپر یہ اسٹیچو چھنیا تھوڑوں سے بناتا ہوں اور میری یہ پوری کوشش ہے اور میں یہ لگن ہے کہ میں جو بھی پاکستان کے لیے کام کرے اور پاکستان کا ہیرو بن کر یہ قوم کا ثابت کرے کہ میں پاکستان کے لیے ہی ہوں تو میں ان کا بھی اسٹیچو بنانے کے لیے اپنے اندر جی بالکل اسی طرح ہے کہ بڑی اچھی کلا ہے اور حب الوطنی ہے کہ اپنے نیشنل ہیرو کو جو ہے کہ ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے آنے والی جنریشن میں علم کے اضافہ کرنے کے لیے یہ بنائے جا رہے ہیں. اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ خدا را آپس کی لڑائی کو چھوڑ دے اور قائد اعظم کا جو یہ خواب تھا یہ پاکستان کو بنانے کا اسے پورا کیا جائے, اس ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپس کی لڑائی کو چھوڑ کے پاکستان کی بقا کے لیے اس پہ کام کرنا چاہیے. دیکھا تھا اقبال نے جسے قائد میں پورا. بلال آپ کا بہت شکریہ, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے فیصل آباد سے اور مجسمہ ساز جو کہ ان کے کام کو یقینی طور پر سراہا جانا چاہیے, بہترین کام ہے, اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے. ناظرین یہاں پر ہم لے رہے ہیں وقفہ, وقفے سے آئیں گے واپس تو مزید خبریں پروگرام میں شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید, بات کریں گے ناظرین ہم عارف اعلیٰ سے جہاں پر انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن برطانیہ کے وفد جو ہے وہ عارف اعلیٰ پہنچا ہے اور وہاں پر تاجر برادری سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عتیق, ہم ان سے بات کرتے ہیں. عتیق کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ موجود ہیں آرے والا کے نجی میرج ہال میں, ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل لائرز ایسوسیشن کے ڈائریکٹر جو کہ آرے والا کے بار ایسوسیشن کے سابق صدر اور لائف ممبر کے دعوت پر آرے والا تشریف لائے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈائریکٹر مرزا صاحب, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے آنے کا کیا مقصد ہے. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں. بتانا چاہوں گا کہ آج کے یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد یہ جناب ابرار شیخ صاحب کی ایک درینہ کوشش تھی کہ یو کے کی جو مین آرگنائزیشنز ہیں جو کہ یہاں کی بارز کے لیے کوئی بہتر کام کر سکتی ہیں ان کو یہاں پہ انوائٹ کیا جائے اور اس بار کے جو وکلاء ہیں ان کی ٹریننگ اور ان کو جو نئی جدید جوڈیشریز ہیں پوری دنیا میں ان کے مطابق اکوپ کیا جائے کنڈکٹ سے ایتھکس سے. تو وہ ہم نے کافی حد تک آج چیزیں کور کی ہیں. انشاءاللہ ہمارا ایک ریسرچ پروگرام بھی جس میں شیخ ابرار صاحب عارف والا بار کو ریپرزینٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم نے چیپٹر اناؤنس کیا وہ سارے مل کے کافی بکلا کے لیے بہتر کام کیا جائے. ہمارے ساتھ شیخ ابرار صاحب سابق صدر بار ایسوسیشن بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا خیال ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو میں میڈیا کا شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا کہ آپ نے یہاں تشریف لائے ہیں. ہمارا مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنل لائر ایسوسیشن کے عہدیداران کو آری والا بلایا جائے کیونکہ آری والا جنوبی پنجاب کا ایک حصہ ہے اور یہاں پر کوئی آج تک ایسی تقریب یا ایونٹ کا انعقاد نہیں کیا گیا تھا. ہم نے صرف اس مقصد کے لیے ان کو بلایا ہے وہاں کے انٹرنیشنل لائر ایسوسیشن کے عہدیداران کو کہ ہمارے دوستوں کو کوئی نالج ہو، نئی انفارمیشن ملے. آل اوور دا ورلڈ اس وقت لا کے متعلق کیا چل رہا ہے، کیا اس میں نئی ترامیم آ رہی ہیں، اس کے متعلق ان کو آگاہ کیا جائے. اور ہماری ایفیلیشن جو ہے آئی ایل اے سے ہوئی ہے، ہمارا آرولا کو چیپٹر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. میں مرزا صفدر اقبال صاحب اور شاہ ندیم سندھو صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں، مرزا صفدر اقبال صاحب چیئرمین ہیں، ان دونوں کا مشکور ہوں کہ یہاں تشریف لایا اور آری والا کو چیپٹر ڈکلیئر کیا انٹرنیشنل لائر ایسوسیشن کا. بہت شکریہ عتیق، آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ناظرین، جڑواں شہر اسلام آباد راول پنڈی میں بھی کرسمس جو ہے وہ بڑے بھرپور انداز میں مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے. اس حوالے سے کیا تیاریاں ہیں، کس طرح سے وہاں پر تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، قول شہزاد ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. قول، آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو؟ اگر کرسمس کی بات کی جائے تو راول پنڈی شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بسی برادری ہے وہ کافی سج دھج کے جو ہے وہ چرچ میں آ رہے ہیں. آج ان کی جو ہے وہ عید ہے بسی برادری کی، اور یہ لوگ جو ہے اپنی عید جو ہے بڑے زبردست طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہی یہ لوگ جو ہے یہ چرچ میں آتے ہیں، عبادات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. اس کے بعد یہ لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں، سویٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگ پارکوں اور تفریح مقامات کا جو ہے وہ رخ کرتے ہیں. اس وقت میں ایک چرچ میں موجود ہے، ہمارے ساتھ یہاں پر فیملیز بھی موجود ہیں، یہاں پر ہمارے ساتھ جو لڑکیاں ہیں وہ بھی موجود ہیں، گرلز، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کا دن یہ لوگ جو ہے یہ کس طرح سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. جا کر کچھ کھانا پسند کریں گے یا کچھ کھا کر جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں؟ اچھا، آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو میری کرسمس. اچھا، یہ بتائیں آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہیں آج کے دن کے حوالے سے؟ پہلے صبح اٹھ کے سب کے گھر کھیر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد چرچ آتے ہیں، چرچ کے بعد گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں، پھر باہر کہیں گھومنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو خواتین کی تیاری ہے وہ مکمل ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آپ یہ بتائیں، پہلے تو آپ لوگ بڑے سائی تج کر آئے ہیں، کتنا ٹائم لگا ہے آج آپ کو تیار ہونے میں، اور یہ تیاری کب سے جاری ہے؟ یہ تیاری ایک مہینے سے جاری ہے، اور ہمیں تیار ہونے میں کافی ٹائم لگا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب اگلا ارادہ کیا ہے آپ لوگوں کا، آپ پارک میں جائیں گے یا آپ گھروں میں بیٹھیں؟ پہلے گھر جائیں گے، پھر سب کے ساتھ مل کے پھر پارک جائیں گے. اچھا، پارک جائیں گے اور انجوائے کریں گے اس کے بعد؟ جی. ٹھیک ہے جی، بالکل. ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ گھر جائیں گے، سویٹ جو ہے وہ تقسیم کریں گے، اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہے پارکوں کا رخ کریں گے. اچھا بیٹا، آپ کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو سب کو میری طرف سے ہیپی کرسمس، اینڈ سب سے پہلے ہم صبح اٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اینڈ پھر ہم اپنی تیاری کرتے ہیں کرسمس کی چرچ کے آنے کے لیے. تو پھر ہم جب چرچ سے ہو کے واپس گھر جائیں گے، پھر ہم سویٹس وغیرہ تیار کریں گے، لوگوں میں تقسیم کریں گے، پھر ہم گھومنے جائیں گے فیملی کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا، آپ کیا کہو گے؟ آپ بھی پارک میں جائیں گے، اور یہاں پر جب آپ آئے تھے تو کیا تیاری تھی، کیا ایکٹیویٹی کر کے آئے ہیں؟ پہلے ہم آئے تھے، تو اس کے بعد پہلے ہم آئے تھے، ہم لوگوں نے سویٹس گھروں میں تقسیم کی، اس کے بعد ہم ریڈی ہوئے، پھر چرچ آئے، چرچ سے ہم پریئر کریں گے، پریئر کرنے کے بعد ہم پارک میں جائیں گے، پھر انجوائے کریں گے، اور پھر ایسے ہی سیلیبریٹ کریں گے کرسمس. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے بھی کوئی تیاری کی ہے؟ جی، ہم صبح اٹھے ہیں، پہلے سویٹ وغیرہ وہ تقسیم کی ہے، پھر اس کے بعد چرچ آئے، چرچ کے بعد ہم پارک وغیرہ میں جائیں گے، اور بس.
खूब जो है वो घूमें फिरेंगे, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। अच्छा आप क्या कहेंगे, कितनी तैयारी लगी है आपको तैयार होने में, और आज के दिन की मुनासिबत के हवाले से क्या पैगाम देंगे? मैं ये कहूँगी आप, हम एक महीने से जब से दिसंबर शुरू होता है तो हम तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम जैसे ये एक लास्ट वाला हफ्ता होता है फिर हम एक दूसरे की तरफ जाते हैं, केक बांटते हैं, दूसरों को मेहमान नवाजी करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, बुलाते हैं कि हमारे साथ, हम खुशियां बांटते हैं। हम कहते हैं किसी से नाराज भी हों तो हम उससे सुलह कर लेते हैं और मनाते हैं, और ताकि सब मिलके खुशियां मना सके। हाँ जी, हजरत बड़ी प्यारी बात इन्होंने कही है कि जो आज का दिन है इस दिन को बड़ी जबरदस्त। ठीक है, कवल शहजाद हमारे साथ आप मौजूद थे, हमें आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नजर करोल आलिसन से बात करें तो वकला के इलेक्शन की तैयारियाँ जो हैं वो अरूज पर पहुँच चुकी हैं, और क्या तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, किस तरह से सारे मामलात हैं वहां पर ये जाने के, अनवर शाह हमारे साथ हैं। अनवर आप क्या बताएंगे इस हवाले से? इस वक्त तहसील बार एसोसिएशन करोड़ में मौजूद हूं। जैसा कि इलेक्शन की वकला इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, आज उम्मीदवार बुराए सदारत मलक शाहनवाज खोकर की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक्कद किया गया जिसमें कसीर तादाद में वकला ने शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ उम्मीदवार बुराए सदारत मलक शाहनवाज खोकर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी सर बताइएगा, कामयाब होने के बाद आपका क्या मंशूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ हमारे इजलास में तशरीफ़ लाए और कवरेज की है, तो आपके सामने ये इजलास हुआ जिसमें जो है काफ़ी तादाद में अक्सरियत वकला साहबान ने शिरकत की है और मेरी तईद और सपोर्ट का ऐलान किया। मैं उन सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक ये है कि इलेक्शन के बाद क्या करेंगे, तो हमारे पास जो है इस वक्त जो है मल्टीपल इश्यूज़ हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी के लिए और रेस्टोरेशन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द जुडिशरी के लिए। आप देख लें कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर हर तरफ से काफ़ी सारे महाजात का सामना है, जिसमें एक हाइब्रिड वार भी चलाई गई है जो हमारे मुल्क दुश्मन को होते हैं उनकी तरफ से, तो उसको भी हमने फेस करना है। बाकी जो लोकल इश्यूज़ हैं वो इतने सीरियस इन नेचर नहीं हैं, लेकिन वहाँ यहाँ मकामी तौर पर उनको टैकल कर सकते हैं, जैसा कि वकला साहबान के लिए चैम्बर्स का मसला है और जो है यहाँ सफाई वगैरह का इंतज़ाम है, बार रूम की रेनोवेशन है, लाइब्रेरी है, इसके अलावा जो है काफ़ी अरसे से कॉलोनी के लिए हमारी फाइल पे वर्क हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा, और जो है फ्री लीगल एड कमेटी जो है गरीब लोगों के लिए जो है उनके लिए जो हम जो है बनाएंगे, ताकि जो गरीब और नादार लोग हैं जो फीसेज वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको जो है यहाँ पर फ्री लीगल एड प्रोवाइड करें। जी बिल्कुल, ये कहना था उम्मीदवार बुराए सदारत मलक शाहनवाज खोकर का कि कामयाब होने के बाद वकला साहबान के लिए चैम्बर्स के जो मसले हैं, जो उनके लिए लाइब्रेरी का मसला है और ख़ास तौर पर जो वकला कॉलोनी का। अनवर शाह हमारे साथ आप मौजूद थे, हमें आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नादरम शेखुपुरा से बात करें तो सुई गैस की बंदिश के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं ये जानेंगे अमजद अली सुल्तानी से। अमजद आप क्या बताएंगे हमारे नाजरन को? इस वक्त मौजूद हूँ जंडियाला रोड का इलाका है, मोहल्ला गौस नगर, जहाँ पे सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। ये सूबाई वजीर मियाँ खालिद महमूद का हलका है, जहाँ पे गुज़श्ता 15 साल से गैस की बंदिश का सिलसिला इसी तरह जारी है और लोग मुतद्दद बार इसके खिलाफ एहतजाज कर चुके हैं, मगर आज तक इनका मसला हल नहीं किया जा सकता। हमारे साथ मौजूद हैं इलाका की ख़वातीन, हम इनसे जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। हमारे यही मसाइल है, अभी गैस हमें दे दें, गैस का बहुत मसला वा, असि सिलेंडर नहीं रोजाना भरा सकते, इन्नी तकलीफ है, बच्चों भी जान आँगी स्कूलों, बच्चियों भी जान आ, शोहर भी जान आँगी ड्यूटियां, मसला वा रात दिन, बच्चे इतने बच्चे सर्दी च खप जाते, कोई हाल नहीं उन्होंने, रोटी तो भी अंतादार आ, तंदूर से जाकर रोटियां लियाई दी वा, यह कोई हाल तो नहीं, वह भी नहीं, तंदूर तो भी रश लगा पिया वा, वह भी नहीं लभदी रोटी, किस तरह के तुसी पाकिस्तान के लोग, किस तरह के तुसी दफ्तर के, असं फिर दफ्तर से चला जाएंगे हांडिया तवे चुके परातं चुके, तो फिर तुसी सानू रोटी दे दोगे, गैस फराहम करो जल्दी ना करो,
जी बिल्कुल, गैस की बंदिश से सताई खवातीन का कहना है कि हमारी गैस को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, अगर हमारी गैस बहाल ना हुई तो हम मजबूर हो जाएंगे कि सुई गैस के ऑफिस का घेराव करें और वहां पे धरना दें, ना कोई चीज़ बाहर जाने देंगे ना अंदर आने देंगे। इस पर मजीद बात करते हैं, एक और खातून मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी भाई, हमें गैस चाहिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम सब्ज़ी इतनी ज़्यादा महंगी, अरे गैस भराई या सब्ज़ी लाएँ या कोई क्या करें, हमें गैस चाहिए क्योंकि सबकी आती है गैस, हमारी नहीं आती, हमारे घरों की नहीं आती गैस। जी मोहल्ला गौस नगर हमीद पार्क तालब टाउन के ये जो रिहायशी हैं ये मुतासर हैं इस गैस की बंदिश से। उनका कहना है कि हमारे वसाइल इतने ना हैं कि हम सुई गैस के सिलेंडर भरा सकें, हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं वक्त पर पहुंच पाते, हमारे जो शोहर हैं उन्होंने दफातर में ड्यूटियों पर जाना होता है, जो गैस ना होने की वजह से वो रोज़ाना की बुनियाद पर लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खासी परेशानी का सामना है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से मुतालबा किया है कि हमारे इन इलाकों की गैस को फौरी तौर पर इनकी सप्लाई को बहाल करें और इसके प्रेशर को अपग्रेड किया जाए ताकि इन इलाकों में जो गैस है उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। सुबह अजान फजर से पहले पहले गैस 2 घंटे आती है, उसके बाद अली सुल्तानी हमारे साथ आप मौजूद थे शेखुपुरा से और वहाँ की सूरत हाल आपने हमारे नाजिन के सामने रखी है। नाजिन सादिकाबाद से बात करते हैं जहां पर करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया रूरल हेल्थ सेंटर हुकूमत की अदम तवज्जही का शिकार है। वहां पर अब जो मशीनरी पहले मौजूद थी वो भी अब गैर फाल है और लोगों को वहां पर कोई सहूलत दस्तियाब नहीं है। राव इमरान वहीद हमारे साथ हैं, इमरान आप क्या बताएंगे इस हवाले से? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के नवाई इलाका भूंग के रूरल हेल्थ सेंटर में। अरसा दराज से ये रूरल हेल्थ सेंटर गैर फाल है, जिसकी वजह से मरीजों को, अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया रूरल हेल्थ सेंटर हुकूमत की अदम तवज्जी का शिकार है। मजीद मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, ये भूंग शरीफ में मौजूद रूरल हेल्थ सेंटर 2010 को इसकी बिल्डिंग करोड़ों रुपए की लागत से मुकम्मल हुई है और इस बिल्डिंग के अंदर सेहत के लिए मशीनरी भी है करोड़ों रुपए की मौजूद, लेकिन सबका हुकूमत की अदम तवज्जा की वजह से ये बिल्डिंग फहाल नहीं हुई। अब भी मौजूदा हुकूमत भी इस पर तवज्जा नहीं दे रही। हमने कई दफ़ा DC रहमियार खान और वज़ीर आला पंजाब को इसको फहाल करने के लिए दरख्वास्तें दे चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई और जिसकी वजह से हमें सेहत के बहुत बड़े यहाँ पर मसाइल हैं। हम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और वज़ीर सियासत से पुरजोर अपील करते हैं कि फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर भूंग को फाल किया जाए ताकि हम भी बुनियादी सेहत के लिए बुनियादी सहूलियात मैसर कर सकें। जी जी, आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि करोड़ों रुपए की मशीनरी जो है वो रूरल हेल्थ सेंटर के कमरों में ख़राब हो रही है और कमरों पे लगे ताले जंग आलूदा हो रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर सियासत से अपील की है कि वो इसका नोटिस लें और इस रूरल हेल्थ सेंटर को फाल किया जाए। राव इमरान हमारे साथ आप मौजूद थे सादिकाबाद से और वहाँ की सूरत हाल आपने हमारे नाज़रीन के सामने रखी। नाज़रीन, ओकाड़ा से हम बात करें तो ओकाड़ा में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की हतमी रैली निकाली गई है। शाहिद थोकर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद, आप क्या बताएंगे इस हवाले से? भाई मौजूद है और यहाँ पर आज चौथे रोज भी जो है मुशर्रफ की जो विभाग के खिलाफ एहतजाज जारी है। इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ सियासी और इख्तियार जो है वो बार बार आवाम के जो है नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर एहतजाज कर रही है। ये वफाकोश इदारे यकजहती भी कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ ये समाजी शख्सियत यहाँ पर मियाँ अफसर शीर बूटी साहब मौजूद है, मजीद जो है वो उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारा फौज का अदारा बहुत मजबूत अदारा है, क्योंकि इन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला दिया वो अकेले मुशर्रफ के खिलाफ नहीं है। इन्होंने डी चौक का वो सलामी फैसला नहीं है डी चौक में उसकी लाश लटकाने का और उनको फौज को गद्दार कहने का, डी चौक में लटकाने का फैसला, इस पर हम मजम्मत करते हैं। ये सलामी फैसला नहीं है और ये गद्दार कहना, ये भी फौज को गद्दार कहना, ये भी फैसला अच्छा नहीं है। हम इसको मजम्मत करते हैं।
ठीक है, शाहिद हमारे साथ आप मौजूद थे, हमें आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे डेरा गाजी खान से, जहां पर कमिश्नर डेरा गाजी खान नहरों की सफाई की हिदायत उन्होंने जारी कर दी है, क्या हालात है वहाँ पर, इरफान मजीद खट्टक की रिपोर्ट में देखेंगे। आइए रिपोर्ट देखते हैं। मानका कैनाल के अब तरीका नोटिस लेते हुए मानका कैनाल का दौरा किया और जारी काम का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर नसीम सादिक ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और महकमा एनआर को हिदायत जारी करते हुए कहा कि मानका कैनाल की मुकम्मल सफाई करके पानी का बहाव बेहतर किया जाए, ताकि सफाई से खड़े पानी की बदबू खत्म हो सके और मानका कैनाल के दोनों अतराफ किनारों की ड्रेसिंग की जाए। उन्होंने कहा कि मानका कैनाल में कूड़ा करकट डालने और गोबर डालने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मानका कैनाल में कूड़ा करकट डालने वालों के खिलाफ दफन 154 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मानका कैनाल की सफाई और ड्रेसिंग से बदबू खत्म करने में मदद मिलेगी। कमिश्नर नसीम सादिक ने कहा मानका कैनाल के किनारों को सरसब्ज और शादाब बनाया जाएगा। मानका कैनाल के किनारों पर ग्रीन बेल्ट कायम की जाएंगी, किनारों पर बच्चों के खेलने के लिए झूले नस्ब किए जाएंगे और बच्चों के खेलने की जगह बनाई जाएगी। मानका कैनाल के दरख्तों को आकाश बैल से नुकसान पहुँच रहा है, दरख्तों को आकाश बैल से सफा करने का अमल शुरू कर दिया गया है, अमला दिन रात काम करेगा, दरख्तों की कांट छाट की जाएगी। कमिश्नर नसीम सादिक ने कहा मानका कैनाल की सफाई के लिए ऐसा काम कर रहे हैं कि आइंदा 5 साल तक बड़े मसाइल पैदा ना हों। उन्होंने कहा कि सिटी पार्क को भी बेहतर किया जाएगा, जबकि इस मौके पर मुशीर वजीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पिताफी ने कहा कि मानका कैनाल में मंजूर शुदा 100 क्यूसक नहरी पानी को छोड़ा जाएगा। किनारों पर शजरकारी के लिए 30,000 पौधों का टेंडर जारी कर दिया गया है, 3 माह के अंदर मरलावार मानका कैनाल को बेहतर किया जाएगा। जबकि चीफ ऑफिसर मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन मलिक इकबाल फरीद का कहना था कमिश्नर डेरा नसीम सादिक की हिदायत पर मानका कैनाल की सफाई का अमल जारी है, इस काम के लिए अमला दिन रात काम में मसरूफ है। इरफान मजीद खटक, दैन न्यूज़, डेरा गाजी खान। ये रिपोर्ट देखिए नाज़रीन आपने डेरा गाजी खान से, इस रिपोर्ट में आपको दिखाया कि वहाँ पर नहरों की सूरत हाल क्या है और अब हिदायत जारी की गई हैं कि इन नहरों को साफ़ किया जाए। प्रोग्राम का हमारा वक्त यहाँ पर नाज़रीन ख़त्म हो चुका है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के वाला।